एमएसपी सहित अन्य मांगों व खनौती बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी की मौत से किसान आक्रोशित हैं। पंजाब हरियाणा में गुरुवार यानी आज के दिन कई जगह आंदोलन हुए, साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने देर शाम चंडीगढ़ में बैठक कर गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राज्यवाल उन्होंने कहा है कि हरियाणा पुलिस ने पंजाब में घुसकर हम पर फायरिंग की और हमारे ट्रैक्टर भी तोड़ दिए। हरियाणा के सीएम और हरियाणा के गृह मंत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। किसान के मौत की न्यायिक जांच कराई जाए। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत होगी।